बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विवेक मिश्रा, एटीजे मेंटर कोटा पॉइंट, और मैं आपका स्वागत करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस नए वीडियो में। इससे पहले कि आप लोग ये वीडियो देखिए, जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से कनेक्टेड हो जाए और वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए। तो जल्दी से इस वीडियो को पहले तो शेयर करो और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले आपका पिछला वीडियो जो है, पिछले लेक्चर्स जो मैंने स्पेशली पिछले तीन लेक्चर्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। योर प्रीवियस थ्री लेक्चर्स मस्ट बी क्लियर क्लियरली, ओके? आफ्टर दैट यू कैन कम टू दिस लेक्चर। क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली किस चीज के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सर्किट प्रॉब्लम के बारे में। सर्किट प्रॉब्लम का एक लेवल का क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। इसके बाद मैं इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ को अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो चलिए देखना शुरू करते हैं, ये खूबसूरत सा लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, ये 9 वोल्ट, ये मान लो 4 ओम, ये 6 ओम, और ये है 12 ओम। आपसे किसी ने पूछा फाइंड, इससे तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि इन तीनों के बदले अगर हम कोई एक लिखना चाहें तो वो क्या होगा। तो इक्विवेलेंट, देखो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। बताओ ये तीनों साफ साफ दिख रहा है, करंट डिवाइड होगा। यहां से करंट निकला, आई करंट यहां तक आया, इधर I1 पुचुट, इधर I2 पुचुट, इधर I3 पुचुट। देखो करंट डिवाइड हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में होने से क्या होता है? अगर पैरेलल में होता है तो करंट डिवाइड होता है या पोटेंशियल डिवाइड होता है। करंट डिवाइड होता है और सीरीज में होने से पोटेंशियल डिवाइड होता है। सीरीज, याद रखिएगा, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, करंट डिवाइड होता है। तो देखो यही तीन रजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, और कोई तो है नहीं, मतलब कि और कुछ डिवाइड होगा नहीं, बस करंट डिवाइड होगा। तो सोचो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। कैसे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे? 1 by R is equal to 1 by R1 मतलब 1/4 प्लस 1/R2 मतलब 1/6 प्लस 1/R3 मतलब 1/12। बताओ 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, यहां 3 प्लस 2 प्लस यहां पर 1, तो ये अल्टीमेटली आएगा 6/12। 6/12 किसकी वैल्यू? 1/R का, यानी 1/2, 1/R का वैल्यू। तो बताओ इसका रेसिप्रोकल यानी R का वैल्यू कितना होगा? 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम, ठीक है? नेट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। मैं 20 वोल्ट कर देता हूँ, कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगा इसलिए, ठीक है? कोई बात नहीं, 9 वोल्ट में भी कैलकुलेट हो जाता पर आसानी होगा इसलिए मैं यहाँ पर 20 वोल्ट कर रहा हूँ। नेट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, ठीक है? दूसरा है फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट। देखो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट। ये करंट तो, ये तो डिवाइड होगा नहीं, और इन तीनों के बदले अगर मैं चाहूं तो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस रख सकता हूं, ठीक है? इन तीनों के बदले अगर मैं चाहूं तो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में डील कर रहा हूं, इन तीनों के बदले अगर मैं चाहूं तो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस रख सकता हूं, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट कितना आया है? 2 ओम। तो 2 ओम और किससे कनेक्टेड है? ये 20 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो सोचो मेरे को क्या निकालना है? I मतलब टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट कितना होगा? V/R। V/R मतलब कितना? V कितना है? 20, और R कितना है? 2, यानी कितना? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट यहां से फ्लो होगा, ठीक है? चलो अब थर्ड, जिन जिन बच्चों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में फील नहीं आ रहा है वो बच्चे मेरे को बोल सकते हैं, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट फील कराऊंगा। एक 220 वोल्ट का वायर टच कराऊंगा तो डायरेक्ट फील आएगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। एकदम डीपली घुस के फील आएगा, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सोच यहां पर आकर के करंट तीन पार्ट में डिवाइड होना। अभी तो हमने नेट करंट निकाला कि यहां से निकलेगा 20 ओम एम्पियर करंट, झूम 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 झूम, पर वही 20 एम्पियर करंट यहां, यहां और यहां तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहां से मान लो जा रहा है I1 करंट, यहां से I2 करंट और यहां से I3 करंट। तो तीनों से कितना कितना करंट पास होगा तीनों रेजिस्टेंस से, ये आपको बताना है। तो चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन डील करते हैं।
आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। अरे पागलों बावलों, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? वी बाई आर। सोचो इन तीनों के अलावा, पर ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में जब भी कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल तो डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा ना, 20 वोल्ट तो 20 वोल्ट रहेगा ना यहाँ पे, क्योंकि आगे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, तो सारा का सारा 20 वोल्ट तो यहीं पे कंज्यूम होगा ना, होगा ना। तो ये तो आई वन क्या आ जाएगा? वी बाई आर वन। तो आई वन वी कितना है? 20 वोल्ट, और आर वन मतलब ये 4 ओम, 20/4 मतलब कितना? 5 एम्पियर। आई टू किसके थ्रू करंट देख रहे हैं अपने को? 6 ओम के थ्रू। वो कितना हो जाएगा? 20/6। 20/6 का मतलब कितना होता है? जरा सोचो, 10/3, 10/3 एम्पियर। ठीक है, और तीसरे वाले से आई थ्री से 20/12, वी बाई आर टू 20/12 कितना हो जाएगा? 5/3 एम्पियर। आप इन तीनों को ऐड करके देख लो, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप इन तीनों को ऐड करके देख सकते हो, ये तीनों 5, 10/3 और 5/3 तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 20 एम्पियर, क्योंकि ये तीनों फिर से यहां जाकर के 20 एम्पियर ही तीन भाग में बटा है, और फिर से इधर जाकर के ये 20 ओम ही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बताना ये समझ में आया या नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने पास ये रजिस्टर, ये एक सर्किट गिवन है, इसमें अपने को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। ठीक है, ये सीरीज ध्यान से देखो तो ये करंट यहां से निकला कुछ क्या, जितना करंट यहां से फ्लो करेगा उतना ही करंट यहां से फ्लो करेगा, देखो क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो भाई साहब जितना करंट ये 1 ओम वाले से फ्लो करेगा वही सेम करंट 2 ओम वाले से फ्लो करेगा और सेम करंट 3 ओम वाले से फ्लो करेगा। ठीक है, तो सोचो सबसे पहले बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालना है, तीनों सीरीज में है, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साहब सब सीरीज में है तो सीधे, मेरे को पता है सीरीज में कनेक्टेड रहता है, तो अपन सीधे ऐड करते हैं आर1 प्लस आर2 प्लस आर3, ऐड करो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर क्या, जोड़ देना है सीरीज में है, मतलब इन तीनों के जगह पर, इन तीनों के जगह पर अगर मैं चाहूं इस सर्किट को अगर मैं छोटा करना चाहूं तो इन तीनों के जगह पर बस एक 6 ओम का भी रजिस्टर लगा दूंगा तो काम चल जाएगा मेरा, है ना। अब सोचो यहां पर 12 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन है टोटल करंट, कि सर्किट में टोटल करंट कितना है, तो करंट इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? वी बाई आर। टोटल करंट निकालना है तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। टोटल करंट इन द सर्किट विल बी 2 एम्पियर, ध्यान से देखिए। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर। थर्ड क्वेश्चन है कि हर, देखो क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम भाई साहब यूज, जो हम लोगों लॉ देके गए हैं उसका यूज कर लेंगे अपन। V इज इक्वल टू क्या बोल के गए हैं? आई आर वन। मैं मानता हूं कि तीनों से सेम करंट फ्लो होगा, पर ये जो 12 वोल्ट पोटेंशियल है क्या तीनों में सेम पोटेंशियल अप्लाई होगा क्या? नहीं, पैरेलल के केस में सेम पोटेंशियल अप्लाई होता था, इसके केस में, इस हर एक में, तीनों में सेम पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा। इन द केस ऑफ पैरेलल सेम पोटेंशियल वर बीइंग अप्लाइड, बट इन केस ऑफ सीरीज पोटेंशियल विल डिवाइड। ओके, 12 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा, तो कैसे, किसको कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर। तो बताओ करंट तो तीनों से सेम पास हो रहा है, और करंट कितना पास हो रहा है? 2 एम्पियर। तो पहले वाले से कितना होगा? 2 × 1 पोटेंशियल होगा पहले वाले के अक्रॉस, 2 × 1 यानी कि 2 वोल्ट। फिर 2 दूसरे वाले के अक्रॉस आई आर टू, करंट तो सेम होगा, तो
करंट कितना है 2 इंटू ये 2, 2 इंटू 2 कितना 4 वोल्ट, और तीसरे वाले के अक्रॉस V3 आई, करंट तो सेम होगा, करंट कितना है भाई साहब, करंट है 2 और रेजिस्टेंस 3, तो क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ध्यान से देखो, पहले वाले का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट, दूसरे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट और तीसरे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट। अगर आप तीनों को ऐड करो 2, 4, 6 और 6 और 6 12, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पूरे सर्किट के अक्रॉस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस देखो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, थोड़ा फील करना इस सब चीज, इन सब चीजों को, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो एएसएपी एज सून एज पॉसिबल। ध्यान से देखिए, ये प्रॉब्लम जरा अलग है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, आप ध्यान से देखिए, ये तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है। असाइनमेंट में आपको ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा, 2 ओम 3 ओम 6 ओम का ये पैरेलली कनेक्टेड है, उसके साथ एक और रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये इन तीनों के बदले कौन सा, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तीनों इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले इन तीनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा वो ढूंढो। उसके लिए बहुत सिंपल है, 1/r′=1/2 + 1/3 + 1/6, बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, 2, 3 और 6 का एलसीएम 6, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1, यानी 6/6 मतलब 1, तो r डैश का रेसिप्रोकल 1/r′ का रेसिप्रोकल r डैश होगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 ओम आ गया। मतलब इन तीनों के जगह पर अगर अपन चाहें, अगर अपन चाहें तो इन तीनों के जगह पर बस क्या लिख सकते हैं 1 ओम, और बताओ उस और 1 ओम, इन तीनों के जगह जो 1 ओम है उससे एक 1 ओम वाला और रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है सीरीज में, है ना कनेक्टेड, देखो ये यहां से करंट निकला जूम 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 जूम, वही करंट यहां से क्रॉस किया जूम 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 जूम, और वही करंट यहां से क्रॉस किया, यानी ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, ठीक है। सोचो तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 ओम आंसर, तो ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन है टोटल करंट, अब सोच टोटल करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अब अगर मेरे को निकल गया है टोटल 2 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो 2 से 12 बार में कैंसिल हुआ 6 एम्पियर आंसर आएगा, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब ये आपको जरा प्रॉब्लम में खड़ा, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इससे कितना कर रहा है, इससे कितना कर रहा है, इससे कितना कर रहा है, तो आप कहानी को जरा ध्यान से समझना, जिन बच्चों का कंसेप्ट मजबूत होगा वही इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। सोच यहां से करंट पास करना शुरू किया, कहानी जरा ध्यान से सुनना, आपके प्राण पखेरु उड़ने नहीं चाहिए। करंट जो है यहां से पास करना शुरू किया आई करंट, ठीक है, आई मतलब 6 एम्पियर करंट, 6 एम्पियर करंट यहां पर जाकर के तीन हिस्से में बट गया, बट गया वही 6 एम्पियर करंट, फिर यहां पर यही तीनों करंट मिलके फिर यहां पर ज्वाइन हो गया, तो फिर से कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, वही करंट यहां से पास हुआ। तो एक बात तो समझ में आ गया कि यहां से जो करंट पास हो रहा है वो कितना पास होगा 6 एम्पियर। अब सवाल उठता है इससे, इससे और इससे कितना करंट पास हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसमें क्या है सर, बहुत इजी है, जो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन में पिछला निकाले V/R1 करके वैसे निकाल देते हैं, पर सोचो क्या तुम्हें लगता है कि ये 12 वोल्ट पोटेंशियल पूरा का पूरा इसी में, इसी सर्किट में अप्लाई हो जा रहा है, समझो मेरी बात को, इसमें निकालना तो कोई बड़ा बात है ही नहीं कि 6 एम्पियर करंट पास हो रहा है, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, तीन भाग में बटा, फिर यहां जाकर मिल गया, फिर यहां फ्लो किया,
तो ये बात तो चलो इसको इवन मान लेते हैं। तो यहां से तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर, 1 ओम वाले से 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। पर सवाल उठता है कि यहां से कितना फ्लो कर रहा है करंट, यहां से कितना कर रहा है और यहां से कितना कर रहा है करंट फ्लो। तो सुनना मेरी बातों को जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना देखो, क्योंकि ये पूरा इस वाले के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और जब भी सीरीज में कनेक्टेड होता है, चलो इसको सिंप्लीफाई सर्किट इसको समझो कि ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये मतलब ये वाला सर्किट और ये मतलब ये, क्योंकि ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड होने से क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है ना। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, मैं इसको यहां नीचे वाले को मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके, ये वीडियो इसके बाद भी प्रीमियर के बाद भी मौजूद रहेगा, आप इसको फिर से देख सकते हैं। तो सोचो यहां 12 वोल्ट है, तो ये 12 वोल्ट इसमें और इसमें बटेगा, किसको कितना मिलेगा चलो देखते हैं। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर V1 मान लेते हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा V2, ठीक है। तो चलो देखते हैं किसको कितना मिलता है। अपने को पता है V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। यहां से कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पियर, यहां पे गया 1, तो क्या हो जाएगा 6 × 1, यानी कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। उसी तरह V2 भी क्या हो जाएगा, IR2। अब सोचो करंट तो उतना ही है और R2 1 ओम ही है, यहां भी 6 वोल्ट, मतलब यहां भी 6 वोल्ट, यहां भी 6 वोल्ट। तो याद रखना ये V1 इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सिर्फ कितना डिवाइड हो रहा है, 6 वोल्ट। तो कभी भी पूरा पोटेंशियल नहीं ले लेंगे, यही पोटेंशियल लेंगे। अब बहुत आसानी से हम I1, I2 और I3 निकाल सकते हैं। I1 क्या हो जाएगा, V1 by R1। V1 by R1 मतलब V1 कितना है, पूरा 12 लेंगे या सिर्फ 6 लेंगे, सिर्फ 6 लेंगे, क्योंकि इसके अक्रॉस सिर्फ 6 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। 6 by 2 कितना हो गया, 3 एम्पियर। चलो I2 निकालते हैं, I2 क्या होगा, पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। तीनों में पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, और रेजिस्टेंस कितना है, 3, 6 by 3, 2 एम्पियर। अरे I2 हमने उस करंट को माना है जो 3 ओम वाले रेजिस्टर से पास हो रहा है, I3 कितना होगा, I3 होगा V by R3, V1 by R3। पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट, और R3 का वैल्यू कितना है, 6 by 6 क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। ध्यान से देखो, I1 3, I2 2, I3 1, 3 2 5, 5 और 1 6। तो यही तीनों जब यहां फिर मिलेगा तो 6 एम्पियर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।